please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सिद्धार्थ जी, कहां चूक हुई, किसकी गलती है ये, एक नाम बताइए। नाम तो नहीं हो सकता, जब चुनाव सामूहिक लड़ा जाता है तो नाम तो ऐसा नहीं होता है। जहां पे मेरे ख्याल से आपने वो प्ले भी किया, मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है, जो कि हम लोग ने भी देखा था, जब चुनाव चला था तो समाजवादी पार्टी से ही रणनीति हमारी तैयार थी और उसके आधार पे हम लोग लड़ रहे थे। तो वो जहां पे जिसको हार दिख रही थी तो उसने साथ लिया, वो बीएसपी का उन्होंने साथ लिया, और वहां पर जब लिया तो एक तो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि दोनों को किस तरह से काउंटर करना है, और एक और भी चीज मेरी जो लगती है, क्योंकि मैं भी चुनाव की फील्ड में ही था, हमें लगा कि ये गठबंधन जो है कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो एक प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी आई हुई थी, जिसका मुख्यमंत्री जी का अति आत्मविश्वास हमारे अंदर आया हुआ था कि जीत रहे, तो वहां भी कमी थी। बड़ी बात, और सिद्धार्थ जी आपने बहुत ईमानदारी से दो बातें की, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि कॉम्प्लेसेंसी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और आप इस स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाए जो सपा और बसपा ने अपनाई, आपकी तैयारी वो नहीं थी। लेकिन आज आपको दिख रहा है दोनों साथ खड़े हैं, अखिलेश मायावती के घर जाकर मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तो पत्ते खुल गए हैं, अब क्या तैयारी होगी, अब कैसे मात देंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा किस प्रकार से होगी, मगर हमें एक जो सरप्राइज एलिमेंट था वो नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास वो 8 से 10 महीने हैं कि ये दोनों मिलेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर लोकसभा सीट पे, हर विधानसभा सीट पे जो लोकसभा बनती है उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा, तो उस पे जो एक समीक्षा या योजना जो बनती है वो हम लोग अच्छी तरह से बना पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि वो हम लोग उस पे सफल होंगे। और जहां तक कि उपचुनाव होता है वो एक प्रदेश लेवल पे ही होता है, अभी जो राष्ट्र स्तर के हमारे जो जिसको आप लोग चाणक्य बोलते हैं आज के, उनका तो अभी इसमें योगदान आया ही नहीं है, तो वो सब चीजें जब आएंगी तो मुझे लगता है, क्योंकि इस कैंपेन में नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, सबका आपका सबसे बड़ा चेहरा, आपको लगता है कि इन दोनों उपचुनाव में भी नरेंद्र मोदी से कैंपेनिंग करानी चाहिए थी, फायदा मिलता? उपचुनाव में कभी होता नहीं है सुमित जी, कभी होता नहीं है कि उपचुनाव के अंदर सेंट्रल लीडर्स को या अपने सबसे बड़े लीडर को आप कैंपेनिंग करवाते हैं। आज तक बीजेपी में मेरे को 22 साल हो रहे हैं, उसके ऊपर ही हो रहे हैं, हम लोग ने कभी किया नहीं है, तो ये होना भी नहीं था, मगर अभी आपने ही कह दिया है, वो जब उतर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्बिनेशन, और दूसरा हम स्ट्रैटेजी अपनी ठीक कर लेंगे तो किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग मात नहीं दे। एक चीज और बताइए, क्या आपको लगता है ये बुआ भतीजा का संबंध, बुआ बबुआ का नारेबाजी जो हो रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा था दो धुर विरोधी मिले थे और फिर अलग हो गए। देखिए सुमित जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, यही समय जब मिलता है तो हम एक्सपोज कर सकते हैं, और जैसे बिहार का था उदाहरण हम देख सकते हैं, हम इनका पुराना भी उदाहरण दे सकते हैं, ये पार्ट ऑफ कैंपेन स्ट्रैटेजी बन जाती है, तो उसको हम लोग विशेष रूप से किस प्रकार से क्या चीज उजागर ज्यादा करना नहीं करना, इसका तो मैं भी नहीं खुलासा कर सकता, ना मेरे पास है, मगर ये सब चीजें आती है और पब्लिक जो वोटर होता है उसके जहन में वो घुसती है, फिर आपका विकास आता है, और आपको वोटर को यह भी दिखता है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है, और उनको दिखता है कानून व्यवस्था ठीक होती जा रही है। पर सिद्धार्थ जी, सॉरी टू इंटरवीन, ये सब चीजों को मिल, सिद्धार्थ जी सॉरी टू इंटरवीन, वोट मिलता, अगर विकास हुआ होता, अगर जनता में आपके नाम का भरोसा होता तो 37% 40% वोटिंग नहीं होती, पब्लिक सब कुछ भूल कर आगे निकलती है, वोट डालती है आपके लिए। आपके नेताओं ने माना है दिन भर के डिबेट में कि वोटिंग जो कम हुई, मुख्यमंत्री ने कहा वो भी हार की वजह रही। नहीं देखिए, वोटिंग तो कम हुई है, और हमारा ही वोटर जिसको कहते हैं जो निकला नहीं होएगा, ये इसी तरह से एनालिसिस भी होते हैं, सिफोलॉजिस्ट जो अच्छे होते हैं ये कहते हैं बीजेपी क्यों नहीं निकला, अगर विकास हुआ है तो क्यों नहीं निकला, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो क्यों नहीं निकला, मेरे को देखिए इसका मैं फिर कहता हूं, दो कारण है, नहीं आप उसको आप फिर नहीं पकड़ रहे, दो कारण है, एक तो मैंने बड़े खुल के कहा कॉम्प्लेसेंसी थी और हमें अति आत्मविश्वास था कि हम जीत रहे हैं, तो हमारा जो कार्यकर्ता था जिस तरह से हमें बूथ के ऊपर मेहनत करके उनको लेके जाना था वो हमने शायद नहीं किया है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मगर जब इस प्रकार से होता है तो ये आपकी पोलिंग परसेंटेज गिरता भी है, और जो आपका भी हमारा जो वोटर होता है वो कहता है जीत तो रही हो, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे नहीं गया आज के दिन छुट्टी है तो छोड़ दो, एक चीज होती है, तो ये दोनों कंबाइन होता है, मगर
मैं इसको हल्केपन से नहीं बोल लूंगा और ना ही हमारी पार्टी ले रही है। हमारा ये मानना है कि ये दोनों हमारे सामने अब आगे हैं, हमारी रणनीति अब इनको दोनों को सामने रख के करनी चाहिए और ठीक से हम करेंगे जो हमारे सीनियर लीडर्स जो करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम लोग फिर से विजय हासिल करेंगे। शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए।